200 सीसी नेकेड स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट पे बजाज पल्सर एनएस 200 एक मोस्ट पॉपुलर बाइक है, पर काफी समय से इस बाइक पे कोई अपडेट्स कंपनी ने नहीं प्रोवाइड कर रहा था। आफ्टर 10 इयर्स कंपनी ने इस एनएस 200 को काफी सारे न्यू अपडेट्स के साथ रिलॉन्च किया है। आज की वीडियो पे 2023 एनएस 200 की एक डिटेल्ड रिव्यू के साथ एक एक करके देखेंगे बाइक पे क्या क्या चेंजेस हुई है। फिलहाल इस बाइक की कोलकाता एक शोरूम प्राइस पड़ेगा 1,27,500 रुपीस अप्रोक्स, जो पहले से 7,000 रुपीस इंक्रीज हुआ है। बाइक पे अभी टोटल 4 कलर ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा, ग्लॉसी इमोनी ब्लैक, मेटेलिक पर्ल व्हाइट, कॉकटेल वाइन रेड और पीटर ग्रे। एंड आज मेरे पास रिव्यू के लिए ग्लॉसी इबोनी ब्लैक कलर अवेलेबल है। ये वीडियो मैंने शूट किया हूँ एकोरियम बजाज पे। अगर आप वेस्ट बंगाल की हुगली डिस्ट्रिक्ट से हो तो बजाज की किसी भी बाइक एंड ऑफर्स के बारे में डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पे शेयर किए नंबर पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एन मोटो एक्सपो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही बाइक्स के अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो ये है दोस्तों आपके सामने द ऑल न्यू 2023 बजाज पल्सर एनएस 200। बाइक की लुक्स पहले से और ज्यादा प्रीमियम, एग्रेसिव एंड मस्कुलर लग रहा है। बाकी आप मुझे कमेंट पे बताइए ये न्यू लुक्स आपको कैसा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडलैम्प की बात की जाए, 12 वोल्ट 55/60 वाट डीसी कनेक्टेड H4 ब्लूटिंग हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। डीसी कनेक्टेड होने के वजह से फ्लिकरिंग इश्यूज नहीं होगी, पर मेरे हिसाब से LED हेडलैम्प प्रोवाइड करने से और भी बेटर हो सकता था। यहाँ हेडलैम्प की ठीक नीचे दो पायलट लैंप मिल जाएगा। यहाँ बजाज की लोगो एंड वाइजर के साइड प्रोफाइल पे रेड कलर की स्टिकरिंग मिल जाती है। यहाँ एक छोटा सा ब्लैक कलर की विंडशील्ड मिलता है और इसी के साथ बाइक पे सेमी फ्लेक्सिबल क्लियर लेंस हैलोजन बल्ब टाइप इंडिकेटर मिल जाएगी। यहाँ पर नंबर प्लेट माउंटिंग प्लेस दिया गया है। फ्रेंड्स, फर्स्ट मेजर चेंजेस की बात करें तो इसके फ्रंट सस्पेंशन, जिसे चेंज करके अभी 33mm USD फोर्क दे दिया है। USD होने के वजह से बाइक की हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी काफी इम्प्रूव हो चुका है। फ्रंट फेंडर पे यहाँ फेक कार्बन फाइबर फिनिश देने की कोशिश किए हैं। यहाँ ABS की बैजिंग मिल जाएगी। फ्रंट टायर की बात करें तो 100/80 सेक्शन का 17-inch ट्यूबलेस टायर, 300mm पेट्रोल डिस्क विथ फ्लोटिंग कैलिपर ग्राइमेका की तरफ से ऑफर की गई है। बाइक पे डुअल चैनल ABS की सुविधा मिल जाएगी। सेफ्टी के मामले में कंपनी ने इस बार काफी बढ़िया काम किए हैं। फ्यूल टैंक को देखेंगे तो यहाँ एक्सटर्नल टैंक काउल पे 200 की बैजिंग मिलता है। यहाँ पल्सर की 3D एम्ब्लेम एंड यहाँ टैंक पैड मिलते हैं, जो काफी हद तक एब्डोमिनल इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा। और बाइक पे अभी E20 पेट्रोल कॉम्पेटेबल हो चुका है एंड बाइक पे 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ रेयर प्रोफाइल पे रेड एंड सिल्वर कलर की डिकैल्स एंड यहाँ NS 200 की बैजिंग मिल जाएगा। ग्रैब ग्रिल स्प्लिट टाइप ब्लैक कलर की मिलते हैं और इसी के साथ पीछे पल्सर की टिपिकल LED टेल लैंप सेटअप के साथ फ्लेक्सिबल क्लियर लेंस बल्ब टाइप इंडिकेटर मिल जाएगी। दोस्तों, अब बात करें इंजन की तो इस बाइक पे 199.5 cc सिंगल सिलेंडर ट्रिपल स्पार्क 4 वाल्व FI BS6 OBD2 कंप्लाइंट DTSI लिक्विड कूल इंजन यूज किया गया है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा 24.5 PS एट 9750 RPM पर एंड मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी 18.74 Nm एट 8000 RPM पर। बाइक पे आपको 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ इंजन के नीचे अंडर काउलिंग मिल जाएगा, जो बाइक को एक स्पोर्टी लुक्स दे देता है। और इसी के साथ बाइक पे सिंगल बैरल अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस NS 200 की एग्जॉस्ट नोट एक बार सुनते हैं। रियर टायर की लेफ्ट साइड साड़ी गार्ड दिया गया है एंड पीछे टायर हगड़ भी मिल जाएगा। रियर टायर की बात करें तो इस बार थोड़ा वाइडर 130/70 सेक्शन का 17-inch ट्यूबलेस टायर 230mm डिस्क के साथ मिल जाता है। रियर व्हील पे ABS की सुविधा मिल जाएगी और इसी के साथ पीछे नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर विथ कैनिस्टर के साथ देखने को मिल जाएगा।
पिलियन फुटरेस्ट की क्वालिटी काफी बढ़िया है। सीट की बात करें तो इस बाइक पे स्पोर्टी स्प्लिट सीट मिल जाता है। सीट की क्वालिटी एंड डिजाइन काफी प्रीमियम है एंड कुशनिंग एज ए स्पोर्ट्स बाइक थोड़ा स्टीफर है। नेक्स्ट अपडेट को देखेंगे तो वो है इसके मीटर कंसोल, जो पहले से थोड़ा अपडेटेड एंड मोर इन्फॉर्मेटिव हो चुका है। कंसोल की यहाँ कुछ टेलटेल लाइट्स जैसे इंजन मैलफंक्शन, इंजन ऑयल चेक रिमाइंडर, इंजन टेम्परेचर, न्यूट्रल इंडिकेटर, लो बैटरी रिमाइंडर, हाई बीम लाइट, बजाज लोगो, ABS इंडिकेटर, RPM रिमाइंडर मिल जाते हैं। यहाँ एनालॉग टैकोमीटर मिल जाएगा और इस MID के अंदर फ्यूल लेवल, गियर इंडिकेटर, क्लॉक, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर चेक कर सकते हैं। यहाँ मोड एंड सिलेक्ट दो बटन मिलेगी। मोड बटन को टॉगल करके ट्रिप 1, ट्रिप 2, डिस्टेंस टू MT एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी देख पाएंगे। बाइक पे स्प्लिट टाइप क्लिप ऑन हैंडल बार का इस्तेमाल किया गया है, बट हैंडल बार की पोजीशन थोड़ा अपराइट है, इसलिए आपको स्ट्रेस फ्री राइडिंग पोस्चर दे देगा। लॉन्ग राइड पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाइक की की काफी प्रकार इस टाइप का है। स्विच गियर क्वालिटी बैकलिट टेक्नोलॉजी के साथ काफी प्रीमियम है। लेफ्ट हैंडल बार पे पास स्विच, अपर डिपर, टर्नर एंड हॉर्न स्विच मिलता है एंड राइट हैंडल बार पे इंजन किल स्विच एंड सेल्फ स्टार्ट बटन मिल जाएगी। हैंडल बार की ग्रिप मुझे ठीक ठाक लगा एंड मिरर की क्वालिटी डिसेंट है। दोस्तों बाइक पे 12 वोल्ट 8 एम्पीयर की मेंटेनेंस फ्री बैटरी यूज किया गया है। बाइक की सीट हाइट 805 mm, जो एवरेज इंडियन राइडर्स के लिए काफी सही है। ग्राउंड क्लियरेंस 168 mm, ये भी इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से परफेक्ट है। बाइक की कर्व वेट 158 kg, व्हील बेस 1363 mm, लेंथ 2017 mm विथ 804 mm एंड ओवरऑल हाइट 1075 mm। और इसी के साथ बाइक पे प्रेस्ड स्टील पेरिमीटर फ्रेम देखने को मिल जाएगा। टॉप स्पीड की बात करें तो 135 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपको इस बाइक से देखने को मिल जाएगा और माइलेज की बात करें तो 35-40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको इस बाइक से मिल सकता है। 0-60 इस बाइक की एक्सेलरेशन टाइम है 3.87 सेकेंड। कंपटीशन की बात की जाए तो TVS Apache RTR 200 4V, KTM Duke 200, Honda Hornet 2.0 जैसी बाइक इसके मेन कंपटीटर है। फ्रेंड्स, 2023 पे अगर आप एक गुड लुक्स बाइक, एडवांस टेक्नोलॉजी, पावरफुल इंजन, गुड परफॉर्मेंस, गुड आफ्टर सेल सर्विस एंड वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो बजाज पल्सर NS200 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। सो ओवरऑल 2023 बजाज पल्सर NS200 ग्लॉसी इबोनी ब्लैक कलर न्यू अपडेट्स के साथ कैसा लगा और आपको कौन सा अपडेट सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सो आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी अपडेटेड वीडियोस के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड इन AN Moto Expo।